जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। फोटो केमिस्ट्री में आज जो नया सीखने वाले वो क्या है, नॉरिश टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेट गेट निट, किसी भी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉरिश टाइप फर्स्ट है क्या? सबसे पहले हमें दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं, हमारे माइंड में दो पॉइंट हमेशा होने चाहिए जब भी नॉरिश टाइप फर्स्ट आता है। कौन कौन से है तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट कैन टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट चीज के लिए यानी इसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है जो हमें हमेशा याद रखना है, जैसे ही मैंने बोला नॉरिश टाइप फर्स्ट तो सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए ये वाला पॉइंट जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा? वो ये है कि नॉरिश टाइप फर्स्ट में हमें करना क्या है। तो क्या करना है, पहली चीज अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। क्या कराना है? अल्फा बॉन्ड क्लीवेज एंड एलिमिनेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल, मोस्टली हमारा यानी मोस्टली क्या, हमेशा कोई भी रिएक्शन होगी हम क्या करवाएंगे, हम सबसे पहले कराएंगे अल्फा बॉन्ड क्लीवेज और साथ ही में किसका एलिमिनेशन कराएंगे। ये दो पॉइंट जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे क्वेश्चन कैसे आएगा कि नॉरिश टाइप फर्स्ट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज एंड एलिमिनेशन ऑफ CO। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट सिंगलेट भी पार्टिसिपेट ले सकती है और ट्रिपलेट भी, और दोनों भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ये एसीटोन, मैंने डाली इसमें सनलाइट HNO, इसका मतलब फोटो केमिस्ट्री की बातें हो रही है। ये जब भी होगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें ऐसे, कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज एथेन। हुआ क्या है देखिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट पास वाला है अल्फा कार्बन, बोथ आर अल्फा कार्बन, और इसके बॉन्ड को क्या बोलेंगे, दिस इज अल्फा बॉन्ड, क्या बोलेंगे, अल्फा बॉन्ड। तो ये यहाँ से क्लीवेज हो जाना है, टूट जाएगा, और ये यहाँ से भी टूट जाएगा, और ये एक CH3 इस CH3 से बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बनेगा, एथेन, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगी, CO। समझ में आया? मैकेनिज्म देखते हैं, आइए, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम इसका ऑपरेशन करेंगे, खोलते हैं इस मॉलिक्यूल को। आइए देखिए, ये रहा एसीटोन, मैंने इस पे डाली सनलाइट, जैसे ही मैंने इस पे सनलाइट डाली तो ये अपनी कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए वन लिखा है, इसका मतलब है सिंगलेट में, ये हमारा सिंगलेट कॉम्प्लेक्स आ गया। अब मैं इसको किस और HNO देंगे है ही, और ये सिंगलेट किस में, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लीजिए क्या हुआ, मैंने मेरे मॉलिक्यूल को, अपने मॉलिक्यूल को सनलाइट प्रोवाइड की, सिंगलेट में कन्वर्ट हुआ, सनलाइट और देंगे ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट बोथ आर पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं इसका क्या करवाऊंगा, इसको करना ही होगा अपने आप, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, मैं किसी एक अल्फा बॉन्ड को क्या करूँगा, यहाँ से गोली मार देंगे इसको, बिचकियाँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रिक
ब्रेक हो गया, क्या मिला? सुनिए, ये जब भी ध्यान रखना, जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन आप कराएंगे तो उसमें रेडिकल जनरेट होगा, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और दो रेडिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए, CH3 रेडिकल प्लस COCH3 रेडिकल, मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, दो रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया। ओके, अब सेकंड अल्फा बॉन्ड क्लीवेज में यहाँ पे करवा दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? देखिए, ये CO यहाँ से माइग्रेट हो गया। जब भी एरो ऊपर की तरफ हो उसका मतलब है ये ऊपर चला गया भगवान के बाद, इसका मतलब है ये रिएक्शन से इवॉल्व हो गया, निकल गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। ओके, ये रेडिकल बना CH3 रेडिकल, इस CH3 रेडिकल से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? एथेन। तो क्या ये यही दो प्रोडक्ट है? गॉट इट? तो ये तो हमने इसका मैकेनिज्म से हमने समझा कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों पार्ट लेगी रिएक्शन में। सेकंड पॉइंट में अल्फा क्लीवेज करवाया, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया अल्फा क्लीवेज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने क्या करवाया, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। ओके, और यहाँ पे भी हमने अल्फा बॉन्ड क्लीवेज कराया, जो रेडिकल बना उनको रिएक्ट करा के फाइनल प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक चलो एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया और वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट्स इट, इतना सा दिया है उसने और हमें कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो हमें क्या बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसका प्रोडक्ट बताइए? इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे। देखिए अब हम बार बार ये सिंगलेट और ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्फा क्लीवेज पे चलेंगे। ये अंडरस्टूड है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट बनेगा, हम अल्फा बॉन्ड क्लीवेज कराते रहिए। अब आपके माइंड में आएगा कि ये भी अल्फा बॉन्ड है और ये भी अल्फा बॉन्ड है, आपने ये वाला ही क्यों बॉन्ड ब्रेक कराया? मेरी मर्जी, अभी ये सिमेट्रिक वे में है तो मैं कहीं से भी क्लीव करा सकता हूँ, बॉन्ड ब्रेक करा सकता हूँ, अल्फा बॉन्ड, ओनली अल्फा। ओके, और मेरे पास क्या बनेगा, कुछ ऐसा। अभी हमारी मर्जी, हम कहीं से भी बॉन्ड क्लीव करा सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं, ये लीजिए। ओके, ठीक है, दो रेडिकल जनरेट हो गए सिस्टम में। अब सुनिए, एक और अल्फा बॉन्ड अगर मैं क्लीवेज करा देता हूँ यहाँ से तो क्या बनेगा? देखिए, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक 5 मेंबर बहुत प्यारी सी रिंग हमारी बन जाएगी। इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। लेकिन 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 यहाँ पे तो निकल गया साथ में CO, लेकिन क्या सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, और पॉसिबिलिटी है, कौन सी? आइए, मैं ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कराना चाह रहा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये और ये हाइड्रोजन, मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ, इट इज हाइड्रोजन ए, इट इज हाइड्रोजन बी। ओके, मान लीजिए कि जब मैं ए के थ्रू प्रोसीड करूँगा और ये बी के थ्रू प्रोसीड करूँगा तब क्या आएगा? तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मैं इधर शिफ्ट करा दूँ। क्या इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया, इस एच रेडिकल को यहाँ पे जाके लगा दिया, तो ये रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल न्यूट्रल हो जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और क्या बन जाएगा? देखिए, ठीक, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके लग गया। ओके, अब यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट, पहले ये रेडिकल, यहाँ पे नया रेडिकल मैंने जनरेट किया है, दिस इज दिस वन। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में मैं बॉन्ड फॉर्मेशन करा दूंगा, दोनों रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे कि
कि भैया तुम भी अकेले हम भी अकेले, चलो हम मिलके बॉन्ड बनाएं। कोई प्रॉब्लम है क्या? सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। इधर आइए। अब मैं एच बी को क्या कर रहा हूँ, इस एच बी को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ग्रीन कलर दिख रहा है, ओके। ये एच यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। किस मैनर में बनाएगा देखते हैं। ये रहा, बना लिया, हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चिपक गया जाके। तो यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे तो ऑलरेडी था, यहाँ पे भी एक रेडिकल मैंने जनरेट करवा लिया है, ओके। अब दोनों रेडिकल बात करेंगे। देख भाई, अगल बगल में तो बैठे ही हैं, तेरी भी वैलेंसी पूरी नहीं है, मेरी भी वैलेंसी पूरी नहीं है, हम दोनों आपस में बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हैप्पी लाइफ। ये लीजिए, डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी वो मैंने आपको बताई, मैंने देखी क्या क्या प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट थ्री। ये है आपके नॉरिस टाइप फर्स्ट में, इस टाइप की प्रॉब्लम वो आपको देगा। समझ में आगे क्या है? अब वो क्या करेगा, अगर क्वेश्चन हार्ड बना रहा है, जैसे आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, नेट लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, तो ऑप्शन में क्या देगा आपको, ये और ये एक ही ऑप्शन में देगा और बाकी तीन में कुछ अलग अलग प्रोडक्ट देगा। तो आपको नॉरिस टाइप फर्स्ट की एक एक बारीक चीज़ आपको आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है, उन पे हम मूव करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है कुछ ऐसा, एग्जांपल नंबर थर्ड, पीएच एचिंग कंडीशन। कैसे दे रखी है, सनलाइट हमको प्रोवाइड कर रखा है, इस तरह का हमको क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है और बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये इनके प्रोडक्ट को हमको फाइंड आउट करना है। अल्फा क्लीवेज करा दिया मैंने, सिमेट्रिक कंपाउंड है, कहीं से भी कराऊंगा सेम रेडिकल मिलेगा, तो हमें कहीं से भी बॉन्ड क्लीवेज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, साथ में मेरे को मिलेगा कुछ ऐसा, ये दो रेडिकल मिले, अल्फा क्लीवेज करा दिया मैंने, ठीक है, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, ये भी तो अल्फा है, यहाँ से भी मैंने इसको क्या करा दिया, बॉन्ड क्लीवेज करा दिया, दो रेडिकल जनरेट होंगे, CO तो यहाँ से इवोल्व हो जाएगी बाहर, ये CO बाहर, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, साथ में ये वाला पोर्शन जो नया रेडिकल बना है, जनरेट किया है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दोनों को मैं रिएक्ट करा देता हूँ और बन गया क्या प्रोडक्ट। सिंपल, नॉरिस टाइप फर्स्ट के एग्जांपल बहुत सिंपल होंगे, बस वो हमें स्ट्रक्चर से डरा देगा और जो डर गया वो बन गया। डरने का नहीं। आइए इधर, फोर्थ हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लीजिए, और वो हमको देगा HNO। अभी देखिए, अभी तो हमारे को पता है फोटो केमिस्ट्री चल रही है, तो वो हमको फोटो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन देगा, लेकिन जब हम पूरी केमिस्ट्री लर्न करके जाएंगे, जब हमारे यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होंगी, केमिस्ट्री का पेपर होगा, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा इसको, इससे HNO, जैसे ही HNO दिख जाए फोटो केमिस्ट्री में आ जाना, फिर क्या देखना, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है तो देखना कि अल्फा बॉन्ड से क्लीवेज होने पे कोई स्टेबल रेडिकल बन रहा है क्या। यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ, दोनों तरफ से ब्रेक करके देखते हैं होता क्या है। मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा तो बोलूँगा पाथ ए, यहाँ से ब्रेक करूँगा तो पाथ बी, दोनों को देखते हैं। पाथ ए बना लेता हूँ पहले, ये लीजिए, पाथ ए जैसे ही मैंने बनाया तो एक रेडिकल बनाइए, बाकी का ऐसा, गॉट इट, ठीक है। ये बना ए से, अब बी से भी देख लेते हैं। मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, वो जो रेडिकल जनरेट होता है वो मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ कि भैया का बनेगा, एक बनेगा ये, ओके। दोनों की स्टेबिलिटी चेक कीजिए,
ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला रेडिकल स्टेबल है। ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री उससे भी कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ये विन हो गया है। इसलिए मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूँगा इस रिएक्शन में, सबसे पहले बी पार्ट, तो मैं बना लूँगा ये। गॉट इट? ओके। मैंने दोनों इसलिए किए कि आपके माइंड में चलेगा कि मैंने ये वाला ही क्यों कराया, ये वाला क्यों नहीं कराया। तो समझ में आ गया कि ये वाला इसलिए नहीं कराया क्योंकि मोर स्टेबल रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा है। सॉरी, इसको क्या बोल देंगे, सॉरी, और इसको बोल देंगे ओके, यू कैन प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करना है सुनिए, यहाँ पे तो आ गए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं डायरेक्ट CO रिमूव कर दूं, यह वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दूं, CO को बाहर निकाल दूं और एक 5 मेंबर रिंग जनरेट कर लूं, बहुत बढ़िया सी ऐसे। ये प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा क्लीवेज तो करा रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, पॉसिबिलिटी पे देखूंगा, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ अटैचेस कार्बन पे, मैं क्या करूँगा ना, इसको बोलूँगा देख भाई तू जो है कहाँ शिफ्ट हो जा, यहाँ यहाँ तो शिफ्ट होगा तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा। कैसा प्रॉफिट होगा, देख ये सिस्टम यहाँ तक बना लिया, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये लीजिए एच। जैसे ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होगा और ये रेडिकल दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये मैंने बना लिया डबल बॉन्ड, क्यों, एक रेडिकल पहले ही था, हाइड्रोजन के जाने से एक रेडिकल और जनरेट होगा तो क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ये और ये अगल बगल में रेडिकल तो डबल बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये 2 CH3 ग्रुप पहले ही हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये लीजिए, समझ में आ गया क्या है, चलें आगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो, हमें हर पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना है। ये लीजिए, उसने दे दिया एच न्यू और बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एरो पे क्या दे रखा है, सनलाइट दे रखी, फोटो केमिस्ट्री में आ जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फा क्लीवेज कराते हैं, मोर स्टेबल कार्बन का टैंक भरेगा, नॉरिश टाइप फर्स्ट। ऐसे ही देखना है आपको एग्जाम में भी। तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा, क्यों कराऊंगा, ऊपर वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज कराने से मेरे पास में ये वाला स्टेबल कार्बन रेडिकल जनरेट हो जाएगा, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ओके, ये 2 CH3 ग्रुप है, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है अंडरस्टूड है CH3 है, फिर भी लिख देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये अलग से मैंने मेंशन किया है, इस हाइड्रोजन से हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सक्यूज मी आप इस रेडिकल पे शिफ्ट हो जाइए, इसके साथ में बॉन्ड बना लीजिए प्लीज़। ये बोलेगा अच्छा क्यों, क्यों, देखिए अगर आप बॉन्ड बनाएंगे ना तो देखो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। बोले अच्छा बना लिया, अब ये जहाँ से गया ना तो ये डबल बॉन्ड और ये CH3। समझ में आ गया क्या क्या है? ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, एक पॉसिबिलिटी और है, कौन सी, हम इस हाइड्रोजन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो आप जो हो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले रेडिकल से बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होगा और ये दोनों डबल बॉन्ड बना के कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। ये हाइड्रोजन बोल रहा है हमेशा तुम लोग मेरी बलि देते हो यार। ये लीजिए, समझ में आया, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये ज्यादा स्टेबल होगी इस वाले से। गॉट इट? ओके, तो और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से ये CO निकाल दूं मैं और इन दोनों रेडिकल को मिला के एक 5 मेंबर रिंग बना दूं, जे लो CH3 CH3, लो ये प्रोडक्ट बना, जे बन गया। समझ में आएगा? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की छड़ी लगा देंगे हम,
हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें आ नहीं जाता। देखने में तो बड़ा डरावने से लग रहे हैं स्ट्रक्चर, लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि अब हमें इसकी गर्दन पकड़ ली हमने इस कॉन्सेप्ट की। देखिए, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज करूँगा, बताने की नीड नहीं है, अंडरस्टूड है, फोटोकेमिकल कंडीशन देगा देगा और देनी ही पड़ेगी उसको। चलिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवाया और कुछ इस तरह का हमें दो रेडिकल बनेंगे, ये लीजिए। अब ध्यान रखेंगे, हम जब भी बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन में, चाहे यहाँ यहाँ या यहाँ, ठीक है, तो हमें हमेशा दो ही रेडिकल मिलेंगे हमारी रिएक्शन में, सिर्फ दो ही रेडिकल मिलेंगे। कौन से? सिर्फ दो ही रेडिकल मिलेंगे। समझ में आएगा क्या है? हाँ, तीन चार या पांच रेडिकल मत बना देना, मार्केट में सिर्फ दो ही रेडिकल दिखेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस, ये मैंने बॉन्ड क्लीवेज कराया तो ये जो रेडिकल बना है ये मोर स्टेबल है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, आइए यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए बड़े कुछ अजीब सी घटनाएं घटेंगी। क्या? यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। मैं इन दोनों रेडिकल को इस रेडिकल से बॉन्ड फॉर्मेशन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझने के लिए तीन रेडिकल बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाने, आपको क्या बनाना है अभी बताता हूँ। ये बॉन्ड क्लीवेज किया तो ये दो रेडिकल आ गए, यहाँ से हटा दीजिए इनको, आ गए। सुनिए, अब मैं यहाँ से इस वाले के साथ में डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, ठीक है, इस वाले के साथ और इस CH3। सुन मैं, और साथ ही ये समझ में आया भाई, दो पॉसिबिलिटी थी, दो रेडिकल बनाए, इसके साथ में रिएक्शन करवाया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, इसके साथ में ये वाला डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आई क्या चीज है? अब इसको इससे बॉन्ड क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो देखिए, मैं इसको रेडिकल तो यहाँ पे भी है ना भाई, रेडिकल तो यहाँ पे भी है, इस रेडिकल को तो मैं मिलाता हूँ इससे और इस रेडिकल को मिलाता हूँ इससे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। आइए, सेम ही बनेगा क्या? सिंगल बॉन्ड है, रोटेट हो जाएगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों में। देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये लीजिए, और यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड। मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करा दिया, ठीक है, और ये बन गया, प्रोडक्ट हमारा तैयार है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हैं, उनको भी हम कंसीडर करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे फोटोकेमिस्ट्री नॉरिस टाइप फर्स्ट से, ठीक है। देखिए, अल्फा क्लीवेज होता ही इसमें, तो ये मेरे पास में एग्जाम्पल है कोई, और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करवाऊँगा, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। क्यों करवाया? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करने से मोर स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा। यहाँ से करूँगा तो जो रेडिकल बनेगा, इस दोनों के कंपैरिजन को लेके मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो अब मैं बना रहा हूँ वो मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा। ये लीजिए, कट इट। अब सुनिए, मैं यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ और देखिए क्या बनेगा वो मैं बना रहा हूँ। मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हुआ, इस रेडिकल ने डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन पे एक रेडिकल आके बन गया। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करवाऊँ ये वाला ग्रीन वाला तब क्या होगा? सुनिए, तब क्या होगा? तब ये होगा, ये रेडिकल तो है ही, सॉरी,
ये बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा तो ये डबल बॉन्ड तो आना ही है। ये लीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक करवाया तो ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल, तो दो पाथ है मेरे पास ये बॉन्ड ब्रेक करने के। दोनों से मेरे पास में जो मिलेगा वो मैंने आपके सामने बनाया। इट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इसलिए सिर्फ इसी से प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं दोनों रेडिकल को राजी कर लूंगा कि भैया बॉन्ड बना लीजिए, ये लीजिए। और कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसा। वन टू थ्री फोर ए फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जस्ट इससे ऑक्सीजन आ गया, और देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल। ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है बिल्कुल। दोबारा देखते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं ना इसको। ये लीजिए, वन इसको दे दिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके। वन नंबर पे ऑक्सीजन सीओ बॉन्ड, टू नंबर पे ऑक्सीजन, थ्री नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। फोर एंड फाइव पे डबल बॉन्ड है, ये लीजिए डबल बॉन्ड बन गया। फाइव सिक्स, ये लीजिए, ये मेरे पास में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ओके, काउंटिंग से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे रिफॉर्मेशन किया है। चलो नेक्स्ट, ये लीजिए, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये बॉन्ड क्लीवेज करवाऊँगा। सबसे पहले कोई सा भी करा लो इनमें से, अल्फा क्लीवेज सिमेट्रिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए, और मेरे पास में कुछ ऐसा रेडिकल बन जाएगा ये। अब मैं क्या बोलूँगा इसको कि भैया ये भी बॉन्ड क्लीवेज करा देता हूँ। इससे क्या होगा, CO तो बाहर निकल गया और मेरे को कुछ ऐसा दे गया। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करा लूँगा तो यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ एक रेडिकल बना। ये दोनों रेडिकल इन दोनों रेडिकल से रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना लेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आया क्या क्या किया है? बोला आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही समझ रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो इधर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो बॉन्ड है मैं ब्रेक करूँगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, कट इट। और ये वाला रेडिकल इससे बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाला रेडिकल इससे बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। चलो चलें आगे, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई सा भी सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक कर दूंगा क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड है। कैसा है, सिमेट्रिक। ये लीजिए पीएच, पीएच, दिस इज आल्सो पीएच ग्रुप। पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां से सीओ रिमूव कर डालूंगा और फाइव मेंबर बहुत खूबसूरत सी रिंग बना लूंगा और प्रोडक्ट ले लूंगा। मैंने इसमें ये भी, इसको भी बोला भैया आप भी फुर। समझ में आ गया क्या है? चलो नेक्स्ट, और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या देखिए कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को बोलूं तो यहाँ चले जा इस रेडिकल के पास तो क्या बन जाएगा, प्लस। पीएच 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 पीएच, समझ में आया क्या कि भैया ये हाइड्रोजन जो था ना वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, ये रहा, और ये रेडिकल जनरेट जो हुआ नया वाला वो इस रेडिकल के साथ में मिलके डबल बॉन्ड जनरेट कर लेगा। बट ओके नेक्स्ट, यहाँ पे हम ये वाला अल्फा बॉन्ड क्लीवेज कर देंगे और कुछ ऐसा बना लेंगे। ये लीजिए दो रेडिकल जनरेट हो गए सिस्टम में, जनरेट हो गए। अब मैं यहाँ से सीओ निकाल देता हूँ, एक और अल्फा बॉन्ड क्लीवेज कर देता हूँ, ये वाला रिच के आऊँ, और क्या बन जाएगा मेरे पास में, एक रेडिकल बन जाएगा, दो रेडिकल आ जाएगी, ये वाले और ये वाले। आ गए क्या?
अब मैं इन दोनों को मिला के एक फोर मेंबर रिंग बना लेता हूँ, ये लीजिए। जो ग्रुप अटैच थे वो उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वरना प्रोडक्ट नाराज हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक पॉसिबिलिटी और है, क्या बोलो आपके पास पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ब्रेक करा दूँ तो ये रेडिकल और ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये वाला रेडिकल जो बना है, ये दो बने नहीं, ये इन दोनों से बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना लेंगे क्या, ये लीजिए पीएच पीएच और ये सीएच टू, दो मोल क्यों मिलेंगे, सेम ही तो है ये, यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये एल्कीन बन गई एक। नेक्स्ट यहाँ ये अल्फा क्लीवेज कीजिए, अल्फा क्लीवेज देखिए प्रोडक्ट में है ना थोड़ी सी चेंज कर रही है आप रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट है ठीक है, अल्फा क्लीवेज कीजिए, अल्फा देखिए ये रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ मिलेगा, मैं बना देता हूँ ऐसे, एक रेडिकल इस कार्बन पे, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, ये रेडिकल इस रेडिकल से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा ऐसे, हम तुम और पास पास, तो हम दोनों क्या बना लेंगे बॉन्ड, ये लीजिए, और नीचे भी ये लीजिए, ये और ये बीच वाला जो मीडिएटर था वो गायब कर दिया, हटाइए आपका काम नहीं है भैया, अल्फा क्लीवेज आपका काम नहीं है भैया, अल्फा क्लीवेज, नो डाउट यहाँ पे CO नहीं है, CO2 निकल रही है, CO2, लेकिन है ये भी नॉरिस टाइप फर्स्ट का ही एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो था नॉरिस टाइप फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैंने बताई है। दूसरी चीज़ उसको अप्लाई कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ में ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, जय हिंद।